हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फोर कोर। दोस्तों, आगे आप लोग के लिए एक और अमेजिंग प्रोजेक्ट लेके जावास्क्रिप्ट से, यानी कि जावास्क्रिप्ट से हम लोग ये वाला प्रोजेक्ट बजा रहे बनाने, स्टेप प्रोग्रेस बार इसका नाम देते। ठीक है, तो स्टेप प्रोग्रेस बार इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए, एक एक करके ये इस तरीके से आपको ये दिखेगा। ठीक है, स्टेप मतलब आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी फॉर्म भरते हैं तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया तो वो ग्रीन हो जाता है, दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है तो वो ग्रीन हो जाता है। इस तरीके से हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, यही चीज हम लोग इस वीडियो में अचीव करेंगे दोस्तों। तो बड़ा ही आसान है, इसमें कितना भी स्टेप जोड़ देंगे आप, आपको जेएस का कोड दोबारा नहीं करना है, इस तरीके से कोड किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, मैं इसमें अगर स्टेप कम भी कर दूंगा तो यहाँ पे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जेएस का कोड में भी। ठीक है, तो यहाँ पे कम ज्यादा स्टेप करके हम लोग देखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले तो अचीव कर लेते हैं इसको हम लोग, कि कैसे इस चीज को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीएस कोड में और इसको भी अचीव कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाए अपने वीएस कोड में। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि ये जो हमारा वीडियो है कहाँ पे जाएगा, जावास्क्रिप्ट नाम की जो जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट नाम की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी में ये वीडियो जाएगा। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जाके देखना, ऑलरेडी बहुत सारा प्रोजेक्ट जा चुका है दोस्तों, एक एक चीज जाके देखना, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो पूरी पूरी प्लेलिस्ट देखिए जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट नाम की जो है, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कैलकुलेटर वगैरह बहुत सारी चीजें बताई गई। ठीक है, आइए अपने वीएस कोड में। सबसे पहले चलते हैं अपने वीएस कोड में और आगे का काम करते हैं, यानी कि आपको क्या करना है, ओपन करना है इस तरीके से, यहाँ पे क्लिक करना है, फाइल पे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेना है, न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर लिखा हुआ है, मैं इसका नाम देता हूँ स्टेप हाइफन प्रोग्रेस बार। ठीक है, इस तरीके से मैंने नाम दे दिया, आप लोग कुछ भी नाम देंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। सबसे पहले गेट स्टार्टेड को कट कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नया फाइल बनाने का ऑप्शन आ जाएगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम का एक फाइल बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने बना लिया। शिफ्ट के साथ नॉट इक्वल टू एंटर करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह आप लोग को क्या लिखना है, स्टेप स्टेप प्रोग्रेस बार। ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिए ताकि हमारा टाइटल भी चेंज हो जाए। ठीक है, प्रोग्रेस बार मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेलिंग मिस्टेक है, शायद डबल जी रहेगा। ठीक है, तो प्रोग्रेस बार मैंने लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चाहिए आइकन वगैरह, तो आइकन के लिए हम लोग सीडीएन जेएस का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखिए सीडीएन जेएस, इस तरीके से सीडीएन जेएस। ठीक है, और पहला जो लिंक दिखे आपको उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख देंगे सीडीएन जेएस देव। ठीक है, और यहाँ पे जाके आप फॉन्ट ऑप्शन के लिए सर्च कर लेंगे, तो जैसा कंफर्टेबल कंफर्टेबल लगे आपको लिंक लेने में, जहां से आप अपने हिसाब से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए इसको कॉपी करेंगे, फॉन्ट ऑप्शन वाले को, पहले वाले को। ठीक है, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे टाइटल के ऊपर जस्ट कंट्रोल भी कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आप हम आइकन भी यूज कर पाएंगे। सबसे पहले बॉडी में आ जाइए और इसमें एक कंटेनर ले लीजिए इस तरीके से। ठीक है, एक कंटेनर ले लेना इस तरीके से आपको, सॉरी कंट्रोल जेड करूंगा मैं, कंटेनर लेना है, डॉट लगा के लिखेंगे तो कंटेनर आएगा। ठीक है, डॉट तो डिप में कंटेनर अगर आपको लेना रहे तो इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, डिप में अगर लेना है, सॉरी। ठीक है, ये देखिए कंटेनर आ गया, उसके बाद ये मेन कंटेनर हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग प्रोग्रेस के लिए कंटेनर बनाएंगे, तो प्रोग्रेस प्रोग्रेस हाइफन कॉन नाम का एक वेरिएबल मतलब बना लेता हूँ इस तरीके से, और इसके अंदर हमारा प्रोग्रेस बार आएगा। ठीक है, तो एक चार बनाऊंगा एक, और इसमें मैं प्रोग्रेस हाइफन बाय इसका मैं नाम दे देता हूँ, प्रोग्रेस हाइफन बाय। ठीक है, इसी को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी करते, दो या चार रहेंगे इसमें, कंट्रोल भी करेंगे और यहाँ पे फॉरेंटिक का नाम लूंगा मैं। तो इस तरीके से क्यों दिया जा रहा है अभी आप लोग को आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप नाम का मैं डॉट स्टेप लिखूंगा, इसमें स्टेप नाम का एक मतलब वो ले लेता हूँ डिब्बा, उसी में हमारा आइकन रहेगा और टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, तो स्टेप नाम का मैंने डिब्बा लिया और इसमें जो है इंटर करूंगा इस तरीके से, और इसको कितना भी डिब्बा बनाना है इंटू फाइव, या जितना भी आपको रखना है उतना रखिए। ठीक है, एक में मैं किसी में भी, अभी मैं पहले वाले में मैं एक चेक आइकन का रखूंगा, यानी कि आइकन जो रहेगा वो हमारा चेक वाला रहेगा। तो फॉन्ट अवसम पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट अवसम इस तरीके से, यहाँ पे फॉन्ट अवसम लिख लेंगे, और जो यहाँ पे पहला लिंक दिखे उस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा, आइकन पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चेक, चेक लिखेंगे तो आपको आइकन मिल जाएगा, ये वाला आइकन मैं ले रहा हूँ, इस पर क्लिक करूंगा कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ, इसी के नीचे जस्ट स्मॉल टैग लूंगा एक और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टार्ट। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमें कौन सा आइकन चाहिए, हमें चाहिए टिक वाला आइकन, तो यहाँ पे लिख देंगे टाइम्स, टाइम्स लिखेंगे इस तरीके से, तो देखिए क्लोज वाला आइकन आपको मिलेगा यहाँ पे, इसको क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और इन चारों में वही आइकन रहेगा। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से मैं जाता हूँ एक बार में ही, ऐसे जाएंगे एक बार में, कंट्रोल और आल्ट दबा के रखेंगे, डाउन एरे के दबाएंगे इस तरीके से। ठीक है, एक बार में मैं इसमें सब पे रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको बटन लेना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, ये हमारा ये जो प्रोग्रेस वाला कंटेनर, इसके बाहर बटन लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पे उसको मिनिमाइज करके फिर यहाँ पे डॉट एक बटन इस तरीके से डिफाइन करेंगे, बटन
इसमें जो क्लास लेंगे वो BTN लेंगे, तो बटन डॉट BTN लिखेंगे तो उसमें क्लास ऑटोमेटिक लेंगे। कितना बटन बनाना है इनको, 2 बटन बनाना है इस तरीके से, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद हमें इसमें आइकन लगाना है, तो आइकन के लिए हम लोग यहीं पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे नेक्स्ट, इस तरीके से लिखिए नेक्स्ट, ठीक है। तो जो आइकन ये वाला दिखे इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करके कॉपी कर लीजिए और दोनों में ही एक बार में डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पे आल दबा करके कंट्रोल भी, इंटर करके कंट्रोल भी कर देंगे और यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे बस, ठीक है। यहाँ पे आके और इसको मैं ओपन विद गूगल क्रोम करूंगा, कंट्रोल ओ करके मैंने यहाँ पे देखिए ओपन विद गूगल क्रोम कर लिया। तो ये हमारा इस तरीके से कुछ यहाँ पे दिखा, ठीक है। अब हमें इसको जो है यहाँ पे दिखाना है बीच में बिल्कुल, तो यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले इंडेक्स डॉट सी एस एस नाम का एक फाइल बनाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इंडेक्स डॉट सी एस एस, इस तरीके से एक फाइल बनाइए। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले एस्ट्रिंग को सिलेक्ट करना है आपको, उसके बाद पैडिंग 0 इस तरीके से डिफाइन करना है, पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0 भी आपको करना है, ठीक है। तो मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये सब यहाँ पे डिफाइन कर देंगे ताकि सभी एलिमेंट के लिए ये डिफाइन हो जाए, ठीक है। तो बॉक्स साइजिंग में डिफाइन करता हूँ, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, बॉर्डर बॉक्स इस तरीके से, ताकि सभी एलिमेंट के लिए इतना काम हो जाए। उसके बाद बॉडी को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, बॉडी को सिलेक्ट कर लेंगे, उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर इस तरीके से डिफाइन करेंगे, सेंटर अलाइन हाइफन आइटम सेंटर, ठीक है। तो इस तरीके से डिफाइन कर देंगे सेंटर, ओके। अब इसमें मिनिमम हाइट देना होगा ताकि एग्जैक्टली सेंटर में आए, तो मिन हाइट देंगे यहाँ पे 100 VH। 100 VH का मतलब क्या हुआ कि व्यू वर्टिकल हाइट या व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है, इसको बोलेंगे। यहाँ पे रिलोड करूंगा, देखिए क्यों नहीं सेंटर में आया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लिंक नहीं किया। तो सबसे पहले टाइटल के ऊपर इसको लिंक कर देंगे, तो लिंक स्टाइल का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे इंडेक्स डॉट सी एस एस नाम की जो फाइल है हमारी उसको हम लोग लिंक कर देंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने लिंक कर दिया, यहाँ पे आके रिलोड करूंगा तो देखिए हमारा ये सेंटर में आ गया, ठीक है। सबसे पहले इसमें कंटेनर को सेलेक्ट करके काम करेंगे, तो यहाँ पे जो कंटेनर है ये वाला, इसको कॉपी करिए, इंडेक्स डॉट सी एस एस में आ जाइए, डॉट लगा के कंट्रोल भी करिए, एंड यहाँ पे आपको इसका जो है टेक्स्ट अलाइन इसमें डिफाइन करना है सेंटर, ताकि सभी सभी जो है सेंटर में एक बार ही आ जाए। इतना तो आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों, इधर मैं आराम से बताऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे रिलोड करूंगा तो ये देखिए सेंटर में आएंगे। अब हमें सबसे पहले काम किस पे करना है दोस्तों, सबसे पहले तो जो है हमारा मेन कंटेनर यानी कि प्रोग्रेस कंटेनर उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो प्रोग्रेस कॉन है उसमें क्या क्लास दिया हुआ, ये देखिए ये दिया हुआ क्लास, कॉपी कर लेंगे इसको, यहाँ पे आ जाएंगे, डॉट लगा के कंट्रोल भी करेंगे, डॉट लगा के मैंने कंट्रोल भी किया, ठीक है। इसमें मैं विथ दे देता हूँ, सबसे पहले विथ कितना दूंगा मैं, 500 पिक्सल, इसमें सिर्फ विथ दे रहा हूँ इसलिए ताकि अभी आप लोग हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाइट इसमें ऑटो रखेंगे, तो हाइट इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए ऑटो, ठीक है, इस तरीके से हाइट ऑटो रख दीजिए। उसमें जो है पोजीशन इसका भी अभी हम लोग आगे अनलॉक करेंगे ये सब, और इसमें जो है कुछ नहीं करना है आपको, आगे का काम करते हैं यानी कैसे इसमें जो है क्या होगा अभी हम लोग आगे का काम करेंगे, ठीक है। इसको रिलोड करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा प्रोग्रेस बार है, ये देखिए इसमें इसमें विद विद 500 होने की वजह से ये फुल विद में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल विद में ही चाहिए मुझे मुझे वो। यहाँ पे आ जाएंगे, सबसे पहले तो प्रोग्रेस बैक को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ये जो बैक वाला है इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करके यहाँ पे आ जाएंगे, कंट्रोल भी करेंगे डॉट लगा के, एंड यहाँ पे आपको करना क्या एक्चुअली, यहाँ पे इसमें विथ देना है, विथ 100% इसका रहे, ठीक है, इस तरीके से। और हाइट इसमें देंगे हम लोग, तो हाइट इसमें कितना देना है आपको, 4 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर इसमें देंगे, बॉर्डर रेडियस रखेंगे इसका 5 पिक्सल, इस तरीके से। बैकग्राउंड कलर इसमें देंगे लाइट ग्रे, इस तरीके से डिफाइन करते हैं लाइट ग्रे, इस तरीके से लाइट ग्रे देना आपको, ठीक है, ग्रे, ठीक है। यहाँ पे रिलोड करूंगा तो देखिए जो हमारा एक जो प्रोग्रेस बार है वो इसमें जो है इस तरीके से आएगा, लेकिन इसमें बॉर्डर रहता है, बाय डिफॉल्ट बॉर्डर रहता है, तो बाय डिफॉल्ट जो बॉर्डर रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर नन, बॉर्डर नन इसको 5 पिक्सल कर दीजिए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और मोटा हो जाए। यहाँ पे रिलोड करूंगा इस तरीके से, ये देखिए बन गया हमारा, ठीक है, ये बना। अब इसका पोजिशन हम लोग अनलॉक करेंगे ताकि जो सारा कॉन्टेंट है वो एक ही के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो पोजिशन क्या करेंगे हम लोग, इसका एब्सोल्यूट, अब अगर इसका पोजीशन एब्सोल्यूट रख रहे हैं तो इसकी जो कंटेनर है उसका पोजीशन रिलेटिव रखना पड़ेगा, तो पोजीशन रिलेटिव इसका मेन कंटेनर का कर दी, यानी कि प्रोग्रेस वाला जो कंटेनर है। यहाँ पे आकर रिलोड करूंगा तो देखिए जो हमारा दोनों है वो एक के ऊपर एक आ गया, ठीक है। अब ये दोनों एक के ऊपर एक आ गया, ये कैसे पता चलेगा हमें, यहाँ पे देखिए यहीं पे हम लोग अब दोनों के लिए सेम कोड करना है हमें, यानी कि प्रोग्रेस फ्रंट के लिए और प्रोग्रेस बैक के लिए हमें सेम कोड करना है। तो कॉमा देखिए यहाँ पे कॉमा देंगे इस तरीके से, कंट्रोल भी कर लेंगे, ठीक है, यानी कि डॉट लगा के कंट्रोल भी, यानी कि फ्रंट को भी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। और ये जो बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ से दे रहे हैं तो सब हम लोग इसके लिए बैकग्राउंड कलर अलग से देंगे। तो सबसे पहले प्रोग्रेस फ्रंट को सेलेक्ट करेंगे, सॉरी प्रोग्रेस बैक को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और इसमें इसमें रहने दीजिए, इसमें बैकग्राउंड कलर रहने दीजिए, लेकिन
जो फ्रंट के लिए बैकग्राउंड कलर रहेगा उसका कलर हम लोग यहाँ पे लाके इसको कॉपी करके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। तो ग्रीन में रखते दिखा रहा हूँ आपको इस तरीके से। तो देखिए इसमें जो है ऊपर वाले का ग्रीन हो जाए। अब ये ऊपर है ये नीचे है ये कैसे पता चलेगा? इसका मैं विद कम करता हूँ, यानी कि जो इसका विद है उसको तो मैं कम करता हूँ 50%। 50% अगर मैं विद दे दूँ तो ये देखिए हमें ये कम दिखेगा। ये देखिए यानी कि ये नीचे वाला डिब्बा है, ये प्रोग्रेस हमारा कौन सा है? बैक वाला है। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को? इतना समझ में आया आप लोग को? ठीक है, अब हमें क्या करना है एक्चुअली? ठीक है, इतना हो गया। इसमें जो है हम लोग पोजिशन लॉक किए हैं तो इसका ले है टॉप जीरो कर देंगे, टॉप जीरो से डिफाइन कर देंगे एंड लेफ्ट जीरो डिफाइन कर देंगे। ठीक, तो ये दोनों के लिए काम हो रहा है, यानी कि प्रोग्रेस फ्रंट के लिए भी एंड प्रोग्रेस बैक के लिए भी। ठीक है, अब ये हो गया, ये समझ में आ गया। इसको जीरो रखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, इसको जीरो रखेंगे विद हमर हम लोग, ताकि जो है ये जीरो है ये दिखे ना। ठीक है, अब हमें इस पे काम करना है। तो ये इसका जो कंटेनर है मेन कौन सा है? स्टेप नाम का है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी करके, यहाँ पे आ जाएंगे डॉट लगा के कंट्रोल भी करेंगे स्टेप को इस तरीके से। और इसमें कैसे काम करना है आपको स्टेप वाले में? सबसे पहले तो इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। अब डिस्प्ले फ्लेक्स अगर आप करते हैं इस तरीके से, ये देखिए डिस्प्ले अगर हम लोगों ने फ्लेक्स किया तो ये कैसे दिखेगा? ये देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से दिखा। इसका जो मेन कंटेनर है यानी कि ये जो कंटेनर है इसका, इसका भी डिस्प्ले हम लोग क्या करेंगे? फ्लेक्स करेंगे। अब अगर मैं इसका डिस्प्ले प्लेस करता हूँ तो देखिए कंटेंट हमारा इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए इस तरीके से दिखा। अब हमें क्या करना है? इसमें जो है जस्टिफाई कंटेंट, इसमें डिफाइन करिए जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन डिफाइन करके देखेंगे। तो ये देखिए जो कंटेंट है वो बराबर बराबर स्पेस लेगा और यहाँ तक फैल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से दिखा। ठीक है, ये दिखा हमें। अब हमें इसको जो है क्या करना है, इसको इसको जो ये वाला है हमारा प्रोग्रेस, इसको जेड इंडेक्स -1 डिफाइन करना है, यानी कि जो प्रोग्रेस वाला फ्रंट वाला है। तो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इस तरीके से एंड इसमें जो है -1 देंगे, -1 इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो ये जो हमारा नीचे चला है वही देखो। ठीक है, ये ऊपर आ गया कॉन्टेंट हमारा, इसमें भी पोजिशन अनलॉक है हमारा। और इसमें जो है टॉप जीरो लेफ्ट जीरो कर देंगे हम लोग, टॉप जीरो एंड लेफ्ट जीरो। ठीक है, लेफ्ट जीरो देखिए डिफाइन कर देंगे। तो ये जो कॉन्टेंट है हमारा अभी, ये देखिए एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म वाई करेंगे, ट्रांसफॉर्म वाई प्रॉपर्टी का करेंगे इस तरीके से। और ट्रांसलेट वाई, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई से इसको -50%, -50% इस तरीके से देंगे। तो ये हमारा शायद एक्जेक्टली जीरो मतलब ऊपर चला है। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसके लिए भी हम लोग डिफाइन करेंगे, यानी कि यही चीज कॉपी करिए और ये प्रोग्रेस के लिए भी डिफाइन कर दिए। ठीक है, यहाँ पे रिलोड करूंगा तो देखिए हमारा एक्जेक्टली सेंटर में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, ये बन गया हमारा। यहाँ पे ये फ्रंट वाला है, इसका अगर मैं विद बढ़ा दूं अभी 10% पर, तो देखिए ग्रीन वाला कलर दिखेगा। ठीक है, ये देखिए। लेकिन हमें चलिए ऐसा नहीं करना, अभी इसको नहीं बढ़ाना, इसको हमें जेएस से बढ़ाना है। ठीक है, तो आगे का काम करते हैं। सबसे पहले स्टेप को सेलेक्ट करके हम लोग इसमें जो है कुछ विद हाइट दे देते हैं, यानी कि जो स्टेप है उसमें विद हाइट दे देंगे हम लोग। तो विद प्रॉपर्टी का इस तरीके से यूज करिए एंड 40 पिक्सल। आप लोग को जितना हाइट विद रखना है, जितना बड़ा बनाना है अपने हिसाब से बनाएंगे एंड हाइट इसमें दूंगा मैं 40 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके से मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर। और इसमें जो है बॉर्डर रेडियस भी दे दूंगा, फिलहाल बॉर्डर रेडियस में कितना दूंगा? 50% एंड बॉर्डर बॉर्डर भी मैं दूंगा, मैं इसमें बॉर्डर में देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड सर डी ये वाला कलर दे दीजिए। ठीक है, और इसमें बैकग्राउंड कलर जो रहेगा इसका व्हाइट है, तो बैकग्राउंड कलर SFF यानी कि व्हाइट कलर। और जो टेक्स्ट का कलर रहेगा वो है सर ट्रिपल सी या लाइट ग्रे दे दीजिए, से डिफाइन करिए लाइट ग्रे, है ना। तो जो टेक्स्ट का कलर है वो लाइट ग्रे रहेगा। ये देखिए रिलोड करोगे तो इस तरीके से हमें दिखेगा, ये बन गया। अब इसके अंदर जो कंटेंट है उसको हमें एक बार में सेंटर में भेजना है, तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले क्या करेंगे? आपको डिस्प्ले फ्लेक्स ऑलरेडी हाई है, इसमें जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटर एंड अलाइन हाइफन आइटम सेंटर इस तरीके से अगर डिफाइन करते हैं तो इसका जो कॉन्टेंट है सब अंदर का वो सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए सेंटर में आ गया सब कुछ। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस पे जो है काम करना है स्मॉल वाले पे। ठीक है, तो स्मॉल वाला कैसे काम करेंगे? स्मॉल वाले पे यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए एक और चीज करना है हमें कि पहला वाला जो है कलर करके रखना है, चेक्ड करके रखना है। तो पहला वाला जो है ये आपका स्टेप, पहला वाला स्टेप जो है इसमें चेक्ड क्लास दे दीजिए। क्या देंगे? क्लास चेक्ड। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके, यहाँ पे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है? पहले तो स्टेप को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डॉट चेक्ड को भी सेलेक्ट कर लेना है। सी एच ई यानी कि जो हमने अभी कॉपी किया उसको प्लेस करेंगे यहाँ पे। और इसका जो बॉर्डर कलर है यानी कि बॉर्डर कलर क्या करेंगे आप लोग? ग्रीन, बॉर्डर कलर ग्रीन करेंगे। बस इतना करना है। यहाँ पे क्या रिलोड करूंगा तो देखिए ये हमारा इस तरीके से, अब बॉर्डर कलर अगर ग्रीन कर रहे हैं तो इसके अंदर का जो कलर है यानी कि टेक्स्ट कलर है वो भी हम लोग ग्रीन कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये कब होगा? जब इसमें
फिफ्थ क्लास लगा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं कि अगर जिसका जो है, कॉपी करिए इसको, कंट्रोल भी करिए, एंड जिसका चेक स्मॉल वाला, यानी कि जिसमें चेक लगा हुआ उसका स्मॉल टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, और उसमें जो है कुछ इसका पोजिशन सबसे पहले तो अनलॉक करेंगे हम लोग, तो पोजिशन एब्सोल्यूट से अनलॉक करेंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट इसके लिए डिफाइन कर देंगे, और इसमें जो है कलर इसका रहेगा हमारा ग्रीन, कलर इसके डिफाइन कर दीजिए ग्रीन। ठीक है, कलर अभी व्हाइट रखिए इसको, हैश एस 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 डी। ठीक है, और इसमें बॉटम से इसको डिफाइन करिए, बॉटम से कितना डिफाइन करेंगे इसको, बॉटम से इसमें डिफाइन करेंगे -30 पिक्सल, -30 पिक्सल। तो ये देखिए जो कॉन्टेंट हमारा, यानी कि जो हमारा वो कॉन्टेंट है वो इसमें देखिए कलर व्हाइट होने की वजह से ये नहीं दिखा, लेकिन हम लोगों ने बॉडी का कलर जो है वो स्लेट ब्लू रखना था, तो इसका बैकग्राउंड कलर यानी कि जो बॉडी है उसका कलर स्लेट ब्लू रखना। ठीक है, अब हमें सही दिख रहा है सब कुछ, ये देखिए रिलोड करूंगा, अब ये सब कुछ सही दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आया इसका जो है फ्रंट फैमिली वगैरह थोड़ा चेंज कर देंगे, तो स्मॉल वाला है ये, इसके लिए डिफाइन करिए फ्रंट फैमिली सेंस सेरिफ, सेंस सेरिफ एंड फ्रंट वेट बोल्ड रख दीजिए, फ्रंट वेट बोल्ड, फ्रंट वेट बोल्ड कर दीजिए, एंड इसमें जो है फ़ॉन्ट साइज भी डिफाइन कर दीजिए 22 पिक्सल, तो फ़ॉन्ट साइज में हम डिफाइन कर देते हैं 22 पिक्सल इस तरीके से। ठीक है, पिक्सल देंगे, पीछे नहीं बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे अगर रिलोड करूँ तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब हमें बटन पे काम करना है, ये हमारा काम हो गया। बटन पे कैसे काम करना है, तो बटन हमारा किस क्लास से है, btn, उसमें क्लास लगा हुआ है .btn। ठीक है, यानी कि देख लीजिए यहाँ पे कि जैसे बटन में जो है, दोनों में बटन में एक btn क्लास लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो इसमें जो है आप लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर इसमें चेंज करेंगे, तो बैकग्राउंड कलर हैश व्हाइट कलर रखता हूँ मैं, और इसमें जो कलर है यानी कि जो टेक्स्ट का कलर रहेगा वो मतलब स्लेट ब्लू रहेगा। ठीक है, इस तरीके से स्लेट ब्लू दे दूंगा मैं, और इसमें जो है हम लोग पैडिंग देंगे 10 पिक्सल। तो पैडिंग में देखिए कैसे देता हूँ, 10 पिक्सल टॉप बॉटम के लिए एंड लेफ्ट राइट के लिए मैं 20 पिक्सल देता हूँ। ठीक है, तो 10 पिक्सल 20 पिक्सल देने का क्या मतलब हुआ कि टॉप बॉटम से 10 पिक्सल लेगा, और 20 पिक्सल देंगे तो लेफ्ट राइट। ठीक है, बॉटम डन करेंगे इसका, बॉर्डर नन एंड बॉर्डर रेडियस बीच में देंगे, तो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे 5 पिक्सल बॉर्डर रेडियस कर देंगे। यहाँ पे अगर रिलोड करूंगा तो देखिए हमारा कुछ किस तरीके से डिजाइन होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर से मूव करेंगे, तो ऊपर से मूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो है मार्जिन का यूज करना है, कैसे डिफाइन करिए मार्जिन, सॉरी मार्जिन, मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करिए, 70 पिक्सल में देता हूँ टॉप बॉटम के लिए एंड लेफ्ट राइट से, मैं इसको क्या टॉप बॉटम के लिए 70 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल एंड बॉटम से 0 पिक्सल इस तरीके से कर दूंगा। यहाँ पे रिलोड करूँ तो ये देखिए थोड़ा इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे जो है हमें और भी कुछ करना, थोड़ा सा बॉक्स शेडो वगैरह देना, तो बॉक्स शेडो दे देंगे और कर्सर पॉइंटर रखेंगे, तो कर्सर इस तरीके डिफाइन कर दीजिए, पॉइंटर, सॉरी कंट्रोल जेड करूंगा मैं, कर्सर डिफाइन करेंगे, तो कर्सर इस तरीके डिफाइन करिए पॉइंटर। ठीक है, और इसमें बॉक्स शेडो वगैरह दे दीजिए, तो बॉक्स शेडो क्या देंगे हम लोग, बॉक्स शेडो 0 पिक्सल, 4 पिक्सल इस तरीके से डिफाइन करेंगे, 8 पिक्सल, तो जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ उस तरीके से आप दीजिए। आरजीबीए का यूज करेंगे, ठीक है, तो आरजीबीए का यूज करेंगे एंड 0.0.0.3 या 5 दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे आकर रिलोड करोगे तो आरजीबी में हमारा शेडो आएगा इसमें, ये देखिए है ना, इस तरीके से शेडो का। अब हमें इस पे ओपेसिटी, इस पे होवर होने पे ओपेसिटी इसका कम करना है, तो बटन को इस तरीके से कॉपी करेंगे, कंट्रोल से करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, यहाँ पे होवर क्लास लगाएंगे। ठीक है, ओपेसिटी इसका क्या कर देंगे हम लोग, थोड़ा सा कम करेंगे, ओपेसिटी 0.8 कर देंगे या 9 कर देंगे, 0.8 कर दूंगा तो ये थोड़ा हल्का होगा। ये देखिए कर्सर जब भी जाएगा, ये देखिए इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें जो है बटन जब एक्टिव, इसमें जब एक्टिव लगाएंगे, मतलब एक शेडो क्लास होता है एक्टिव, तो btn का यूज करेंगे, और इसमें एक्टिव शेडो क्लास यूज करेंगे। एक्टिव का मतलब क्या हुआ अभी समझ जाएंगे आप लोग। अब इसमें जो है मैं करता हूँ ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड स्केल, ट्रांसफॉर्म स्केल इससे डिफाइन करता हूँ, और 0 पॉइंट या कुछ इसमें वैल्यू देता हूँ 1.5। ठीक है, ये वैल्यू दूंगा तो देखिए जो बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए जब भी एक्टिव हो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यानी कि जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, हो गया, इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, और भी कुछ करना है इसमें। ठीक है, तो जो डिसेबल है यहाँ पे, सपोज कीजिए एक पहले वाले को डिसेबल करते रखता हूँ, यानी कि जो पहला वाला बटन है उसमें मैं डिसेबल प्रॉपर्टी लगा कर रखता हूँ, डिसेबल। ठीक है, अब यहाँ पे डिसेबल को कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डॉट btn को सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें शेडो क्लास यूज करिए डिसेबल, जो डिसेबल वाला है उसका यूज करिए, और इसका बैकग्राउंड कलर यहीं से ग्रे डिपेंड कर दीजिए, यानी कि शार्प, उसका हल्का कलर कुछ भी कर दीजिए, लाइट ग्रे या शार्प पर्पल सी दे दीजिए, कोई भी कलर दे दीजिए, यानी कि हल्का हो जाएगा। यहाँ पे रिलोड करूँगा तो जो डिसेबल वाला रहेगा वो हमारा इस तरीके से दिखेगा। ठीक है,
समझ में आया आप लोग को? अब चाहते हैं आइकन का फॉन्ट साइज बढ़ाना, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे इसका, तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का करेंगे इस तरीके से 22 पिक्सल कर देंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने कर दिया, यहाँ पे अगर रिलोड करूँ तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये ठीक है। अब हमें क्या करना है, आइकन में दो क्लास दो आईडी दे दीजिए, यहाँ पे एक यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, यानी इस वाले बटन में भी क्लिक करके आईडी दे देंगे इसमें। तो मैं नेक्स्ट एंड पहले सॉरी नेक्स्ट यहाँ पे दे देता हूँ नेक्स्ट, और जो पहला वाला रहेगा वो प्रीवियस, यानी कि प्रीव इसमें आइकन दे आईडी दे देता हूँ। ठीक है, बस इतना काम करना है आपको, रिलोड कर लूंगा मैं इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें जावास्क्रिप्ट का कोड करना है ताकि हम इस प्रोग्रेस बार को आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का कोड करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, इंडेक्स डॉट जेएस नाम की एक फाइल बना लेना है, इंडेक्स डॉट जेएस नाम का इस तरीके से फाइल बना लीजिए। सबसे पहले तो इसको अलर्ट करके यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अलर्ट यहाँ पे देंगे एंड यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बॉडी में यहाँ पे स्क्रिप्ट एस आर सी का यूज करेंगे इस तरीके से, एंड इसमें जो है लिंक कर देंगे। तो इंडेक्स डॉट जेएस नाम की जो फाइल है उसको इस तरीके से लिंक करेंगे, यहाँ पे रिलोड करूंगा मैं, ये देखिए लिंक हो गया हमारा, अलर्ट हो गया। सबसे पहले तो प्रीवियस वाले बटन को यानी कि सॉरी नेक्स्ट वाले बटन को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जिसमें आईडी नेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो एक वेरिएबल बनाएंगे इस तरीके से नेक्स्ट नाम का, इस तरीके से एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करेंगे इस तरीके से, एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला हमारा बटन है उसको सेलेक्ट करके इसमें रखेंगे। ठीक है, अब इसी नेक्स्ट पे क्लिक करते ही मैं एक फंक्शन को कॉल कर लूंगा, नेक्स्ट डॉट ऑन क्लिक पे मैं डिफाइन करता हूँ। जब भी इस पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, इस तरीके से मैं डिफाइन करूँ ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, एक अनोनिमस फंक्शन कॉल होगा इस तरीके से, एंड यहाँ पे अलर्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से अलर्ट ना करके मैं एक चीज आपको करता हूँ, यहाँ पे एक सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल बना लूंगा करंट करंट अंडरस्कोर चेक नाम, करंट अंडरस्कोर चेक। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी वेरिएबल बनाइए करंट अंडरस्कोर चेक, और इसमें मैं 1 अपडेट करके रखता हूँ। ठीक है, अब इस पर जब भी क्लिक होगा तो मैं करंट चेक है इसको मैं प्लस प्लस करूंगा, इसको मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, और कंसोल में मैं चेक करूंगा, कंसोल डॉट लॉग का यूज करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ करंट चेक को प्रिंट करके चेक करने वाला, तो इससे टेस्टिंग भी हो जाएगी और हमें पता भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आकर रिलोड करता हूँ, इंस्पेक्ट कर लूंगा। सबसे पहले रिलोड किया मैंने, कंसोल में जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है, यानी कि करंट चेक हमें दिख रहा है कि बढ़ रहा है, लेकिन इसको हमें उतना ही बढ़ाना है जितना इसमें स्टेप है, तो ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए मैं बताया था एक वेरिएबल में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम कर देंगे, गेट एलिमेंट एलिमेंट बाई क्लास नेम। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे सबसे पहले, तो स्टेप नाम का मैं वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, स्टेप नाम का मैं वेरिएबल बनाया इस तरीके से, एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम कर देंगे, कौन सा क्लास है, सभी में एक ही क्लास लगा हुआ ना स्टेप। ठीक, स्टेप मतलब कि ये वाला जो स्टेप मेन कंटेनर है, ये देखिए स्टेप इसमें भी लगा हुआ है स्टेप, तो सभी एलिमेंट एक ही बार में सेलेक्ट होगा। मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे डिफाइन कर दूँ स्टेप डॉट लेंथ, स्टेप कंसोल में मैं प्रिंट करूँ स्टेप डॉट लेंथ, तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इंस्पेक्ट करके मैं रिलोड करता हूँ, अभी आप लोग को देखता हूँ, कंसोल में गया यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए 5 मिला। अब ये 5 क्या है, ये इसकी लेंथ है, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि 5 स्टेप है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, कंडीशन क्या लगाना है हमें, कि ये जो करंट है हमारा वो तभी तक बढ़ेगा जब जब तक इसमें जो है, मैं यहाँ पे कंडीशन इफ करंट चेक, मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि इज ग्रेटर देन, जब तक ये मतलब लेंथ से बड़ा है, इज ग्रेटर देन स्टेप डॉट लेंथ, स्टेप डॉट लेंथ। अब हम यहाँ पे कोई नंबर तो दे थोड़ी नहीं सकते, यहाँ पे हमें इसकी लेंथ तक जाना है ना, तो यहाँ पे स्टेप डॉट लेंथ देंगे, तब तक ये होगा क्या होगा इसमें, अगर ये बड़ा है तो हम जो है करंट नंबर में करंट सेक्ट में सॉरी करंट सेक्ट में हम लोग क्या मतलब अपडेट कर देंगे, स्टेप को ही अपडेट कर देंगे, तो स्टेप डॉट लेंथ को हमें यहाँ पे अपडेट। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक ये इससे बड़ा है, ठीक है, तो पहली बार क्या होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी आप लोग को दिखाता हूँ, कंसोल में मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग का इशू में इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं करंट चेक को फिर से प्रिंट कर रहा हूँ, करंट चेक को मैं फिर से प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा, यहाँ पे रिलोड करता हूँ, इंस्पेक्ट करूंगा, क्या होगा उसमें 5 अपडेट होता जाएगा, ये देखिए 5 भी उसमें अपडेट हो रहा है, उसके आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं रिलोड करके फिर से बताता हूँ, पहले 1 है बाय डिफॉल्ट, क्लिक करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्लिक करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो 5, अब उससे ज्यादा नहीं जाएगा, उसमें 5 अपडेट होता रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया, अब ये 5 अपडेट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन कॉल करने वाले हैं, एक फंक्शन इस तरीके से कॉल कर लीजिए, क्या फंक्शन का नाम रहेगा वो हम लोग समझ लेते हैं, यानी कि जो फंक्शन हम लोग कॉल करने वाले हैं वो अपडेट प्रोग्रेस, अपडेट प्रोग्रेस इस तरीके से फंक्शन कॉल करने वाले हैं। ठीक है,
इस फंक्शन का डिफिनेशन हम लोग बाहर करेंगे ताकि हम लोग प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए दोनों के लिए इस फंक्शन का यूज कर पाए। ठीक है, तो इस फंक्शन बना लेंगे इस तरीके से, अपडेट प्रोग्रेस नाम का, अपडेट प्रोग्रेस नाम का इस तरीके से फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे आई नाम का, क्योंकि हमें लूप चलाना पड़ेगा तो प्रोग्रेस को अपडेट करना है, यानी कि हमें इस पर चेक क्लास लगा देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लगेगा, लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि एक तो है नहीं, तो लूप हमारा कैसे चलेगा, लूप फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, और लूप हमारा कहां तक चलेगा, आई इज लेस देन कहां तक, स्टेप डॉट लेंथ, स्टेप डॉट लेंथ माइनस वन। अब क्योंकि ये जीरो से चल रहा है तो लेंथ माइनस वन करना पड़ेगा ताकि इसके लेंथ माइनस वन तक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ माइनस वन तक हम लोग लूप चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आई प्लस प्लस, यहाँ पे आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, एक्चुअली स्टेप को सेलेक्ट करना है, स्टेप आई डॉट, इसमें जो है क्लास लगाना है, तो इसमें डिफाइन करेंगे क्लास लिस्ट डॉट एड मेथड का यूज करेंगे इस तरीके से। तो ये एक मेथड है, कौन सा क्लास एड कर देंगे तो उसमें आ जाएगा चेक, चेक नाम का जो क्लास है उसको अगर हम लोग एड करते हैं, इसमें क्लिक करते हैं, तो देखिए फंक्शन यहाँ पे कॉल है, ये वाला फंक्शन। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए मैं रिलोड करता हूँ, यहाँ जैसे क्लिक करूंगा ये देखिए, तो यहाँ पे एक एक करके होना चाहिए ना, यहाँ पे एक एक करके क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे देखिए लेंथ माइनस वन मैंने लगाया, मैं लेंथ डिफाइन करता हूँ। ठीक है, सिर्फ लेंथ, ठीक है, यहाँ पे आकर रिलोड करता हूँ, यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखिए सभी में लगाइए। अब ये सभी में क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि हम लोग, हमें कंडीशन डिफाइन करना होगा ना, तो कंडीशन यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, कंडीशन ये रहेगा हमारा, यहाँ पे देखिए मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, इफ मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ आई इज, जो आई है हमारा यानी कि आई में जो नंबर आ रहा है वो लेस देन, जो हमारा करंट नंबर है, करंट चेक है, उससे छोटा है, अगर आई हमारा उससे छोटा है तब ये लगेगा ना। ठीक है, यहाँ पे आकर रिलोड करूंगा, ठीक है, यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए लग गया। ओके, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लेंथ माइनस वन किया, लेंथ माइनस वन, यहाँ पे लेंथ माइनस वन करता हूँ, रिलोड करता हूँ, यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखिए, तो यहाँ पे फोर, यानी कि जो ये फाइव वाला है ना, तो लेंथ माइनस वन का मतलब क्या होगा, फोर आएगा, तो फोर तक ही ये प्रिंट करेगा, यानी कि यहाँ पे आपको लेंथ माइनस वन नहीं डिफाइन करना है। ओके, लेंथ तक, यानी पूरी लेंथ तक लूप चलाना है। ठीक है, यहाँ पे रिलोड करूंगा इस तरीके से, तो ये देखिए फाइव तक हमारा पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, एक्चुअली इसमें जो है इसको अपडेट करना है, यानी कि यहाँ पे वन टू थ्री फोर, ये कैसे होगा, तो बस कुछ नहीं करना है, इसी को फिर से सेलेक्ट कर लेंगे स्टेप को, एंड यहाँ पे आई डिफाइन करेंगे। अब आई यहाँ पे क्यों डिफाइन करें, क्योंकि हमें इंडेक्सिंग नंबर भी चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेप तो है नहीं कि हम लोग मतलब डायरेक्ट डिफाइन कर, बहुत सारा स्टेप है और हो सकता है बहुत सारा अपडेट मतलब और भी बढ़ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आई में इंडेक्सिंग नंबर पास कर देंगे, यानी कि इसमें जो है एक नंबर आ रहा है जीरो से लेकर वहां तक, यहाँ तक कहाँ तक नंबर इसमें आएगा, जितनी इसकी लेंथ रहेगी वहां तक नंबर आएगा। तो सब जीरो फाइव लेंथ है, तो यहाँ पे पहले बार जीरो आएगा, फिर वन आएगा, फिर टू आएगा, इस तरीके से है ना। अब यहाँ पे इनर एचटीएमएल का यूज करेंगे इस तरीके से, और इक्वल टू में बैक टिक, बैक टिक मैं किसको बोल रहा हूँ, टैब बटन होता है कीबोर्ड में, उसके ऊपर ये देखिए डायरेक्ट दबाएंगे आपको बिना किसी कंट्रोल के साथ, यानी कि डायरेक्ट स्केप के नीचे वो अलग मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये बैक टिक है, स्केप के नीचे और टैब बटन के ऊपर ये रहता है। ठीक है, आप सिंगल कोड का यूज नहीं करेंगे इसका, ठीक है, बैक टिक यहाँ पे रहता है, यहाँ पे इसका यूज करेंगे इस तरीके से। अब इसमें जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें डिफाइन करना है कि ये चेक्ड हो जाए, यानी कि चेक्ड वाला जो ये दोनों है, तो उसको ले, तो इसको एक लाइन में कर लेंगे, ठीक से उसको कॉपी करेंगे, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, यहाँ पे आ जाएंगे एंड इसमें कंट्रोल भी कर देंगे। ठीक है, अब मैं जब भी क्लिक करूंगा, ये देखिए रिलोड करता हूँ मैं, यहाँ जब भी क्लिक करूंगा ये देखिए इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चेंज हो गया आइकन भी। अब ये आइकन क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हमने इनर एचटीएमएल में डिफाइन कर दिया उसको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्चुअली यहाँ पे हमें स्टेप को अपडेट करना है, तो जहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आएंगे आप लोग और स्टार्ट को हटा देंगे, यहाँ पे डॉलर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल इसको बोलते हैं, या तो आप इसमें आप अपने भाषा में इसको वो बोल सकते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, लेकिन टेम्पलेट लिटरल इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग के शब्दों में। ठीक है, यहाँ पे हमें करना क्या, एक्चुअली आई का मैं चेक करता हूँ एक कंडीशन, आई इक्वल टू, अगर आई इक्वल टू इक्वल टू हमारा जीरो है, सबसे पहले कंडीशन क्या चेक होगी, अगर आई हमारा जीरो है तो यहाँ पे हम लोग स्टेप स्टार्ट रखेंगे, यानी कि यहाँ पे रहेगा स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे हम लोग इस तरीके से, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ, यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या चेक होगा हमारा, कि अगर आई यहाँ पे इसको टर्मिनेट करेंगे इससे, यानी कि ये हमारा कौन सा कंडीशन लग रहा है, ये टर्नरी ऑपरेटर है दोस्तों, ये इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, और ये होता है हमारा यूनरी ऑपरेटर, तो ये हमारा फॉल्स को डिफाइन करता है और ये ट्रू को डिफाइन करता है। तो अगर जीरो है तो जीरो वाले में स्टार्ट अपडेट करेंगे इस तरीके से, यानी कि स्पेन में वो अपडेट होगा। ठीक है, अगर जीरो नहीं है, अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि फाइनल हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग उसका यूज करेंगे,
और आई इक्वल टू फिर से चेक करूंगा मैं, आई इक्वल टू अगर जो हमारा स्टेप डॉट लेंथ है, आई इक्वल टू मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिखता हूँ दोस्तों, आप लोग को ध्यान से देखना है, आई इक्वल टू स्टेप डॉट लेंथ, स्टेप डॉट लेंथ अगर इसके बराबर है, आई हमारा स्टेप डॉट लेंथ माइनस वन यहाँ पे इसलिए डिफाइन करेंगे क्योंकि हमें माइनस वन तक जाना है, अगर इसके बराबर है तो जो फाइनल वाला है इसमें क्या अपडेट करेंगे हम लोग, फाइनल यहाँ पे हम लोग फिर से टर्मिनली ऑपरेटर कर करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे फाइनल, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तब क्या होगा, तब यूनरी ऑपरेटर कर करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे स्टेप हमारा, तो हम लोग आई तारीख यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, यानी कि हमें नंबर अपडेट करना है। उसके बाद यहाँ पे रिलोड करूंगा मैं, तो देखिए कैसे यहाँ पे अपडेट हो। अब ये चीज अगर आप लोग को नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप लोग हमें मैसेज करेंगे, वो चीज मैं आप लोग को ग्रुप में और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं होता कि सब कुछ अच्छे से समझाया जाए, इसके लिए आप लोग ग्रुप में मैसेज करेंगे क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप लोग वहां से जाके मैसेज कर देंगे, ठीक है। ये देखिए हो गया हमारा ये, अब हमें बैक पे क्लिक करते ही बैक करना है, तो सबसे पहले तो डिसेबल यहाँ से हटा देंगे, यानी कि जो बटन में हम लोगों ने डिसेबल लगाया था बाय डिफॉल्ट उसको हटा देंगे ताकि हमें बैक पे भी क्लिक करने को मिले, ठीक है। तो ये देखिए दोनों में से यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पे क्लिक करने पे ये वापस होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे इंडेक्स डॉट जेएस में, बटन को भी कॉपी करेंगे इसको कंट्रोल सी करके, ऊपर वाले लाइन को कंट्रोल भी करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट की जगह क्या कर लेंगे हम लोग प्रीव, यानी कि प्रीव हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग प्रीव वाले बटन को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि ये आईडी में सेलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए प्रीवियस इस पे आईडी है ना, इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके किस में रखता, इस वाले बटन में, इस वाले वेरिएबल में, ठीक है। अब एक्चुअली क्या करना है हमें, इस फंक्शन को कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, इसके नीचे जस्ट कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है, थोड़ा इंटर कर लेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट की जगह आपको प्रीव सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो प्लस प्लस हो रहा है इसको क्या कर देंगे माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे, ठीक है। यानी कि इसको हमें घटा देना है दोस्तों, ठीक है, माइनस माइनस हो गया, और ये जो हमारा लेस देन ग्रेटर देन लगा हुआ है ये हमारा लेस देन हो जाएगा, यहाँ पे किससे लेस देन रहेगा, वन से, वन, यानी कि अगर ये लेस देन वन है तो इसमें क्या जाएगा, वन ही जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग फिर से वन पे अपडेट कर देंगे, ठीक है, अपडेट प्रोग्रेस बार इस तरह से कॉल रहेगा, लेकिन अभी भी यहाँ पे फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए मैंने क्लिक किया, लेकिन यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा, तो हमें इसका एल्स डिफाइन करना होगा, यानी कि इफ का एल्स हमें डिफाइन करना होगा, यानी कि जो इफ हम लोगों ने लगाया था उसका एल्स क्या हो जाएगा वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो एल्स ये क्या होगा कि आई अगर हमारा, इसका क्या मतलब होगा कि आई जब तक आई हमारा छोटा है तब तक ये होगा, लेकिन अगर बड़ा हो गया आई हमारा तब एल्स में जाएगा ना कोड, तो एल्स में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, इसी दोनों लाइन को कॉपी कर लीजिए, देखिए इसी को कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, एंड यहाँ पे आपको कंट्रोल भी करना है इस तरीके से, यहाँ पे आपको रिमूव करना है सेट को, तो यहाँ पे रिमूव मेथड का यूज करेंगे, एंड यहाँ पे जो बैक टिक लगा हुआ है इसको हटा देंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसमें आपको डुअल कोड का नहीं सिंगल कोड का यूज करना है, और यहाँ पे जाना है जो टाइम्स वाला हमारा कोई भी एक आइकन कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, सॉरी टाइम्स वाला कौन सा, ये, ठीक है, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, एंड इंडेक्स डॉट जेएस में इसके उसमें पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। तो यानी कि स्टेप आई डॉट इनर एचटीएमएल हमारा टाइम्स वाला आइकन हो जाएगा, और वो जो रिमूव चेक्ड चेक्ड वाला क्लास रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे रिलोड करता हूँ, यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखिए बढ़ेगा, यहाँ क्लिक करूंगा तो इस तरीके से ये घटेगा, ठीक है। ये देखिए अब ये वन पे, वन वाले पे क्यों नहीं घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको वन कर दे रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे जैसे माइनस हो रहा है, जैसे जैसे ये यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या लगा हुआ है, अगर जो हमारा करंट चेक्ड वन से छोटा हो जाएगा तब क्या होगा, फिर से उसमें वन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिलोड करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से बन गया, ये फाइनल हो गया हमारा इस तरीके से, है ना। लेकिन अभी हमें इसमें पूरा कंप्लीट काम नहीं हुआ है, हमें इसको भी अपडेट करना है ना, यहाँ पे ये जो प्रोग्रेस है इसको अपडेट करना है, ठीक है। यानी कि फ्रंट वाला जो हम लोगों ने हाइड करके रखा है उसको अपडेट करेंगे, तो उसको अपडेट करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फॉर से बाहर निकलेंगे, फॉर से बाहर आ जाइए, सबसे पहले तो फ्रंट वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, तो एक वेरिएबल बना लेंगे इस तरीके से, जो फ्रंट वाला वेरिएबल है कैसे सेलेक्ट करेंगे, फ्रंट वाले को एक वेरिएबल बना के उसमें रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फ्रंट वाले को मैं यहाँ पे ना सेलेक्ट, ग्लोबल ही सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ऊपर ही, तो इसमें क्या क्लास लगा हुआ मैं देख लेता हूँ, फ्रंट प्रोग्रेस फ्रंट है ना, इसको कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा ऊपर में ही, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे फ्रंट, प्रोग्रेस फ्रंट नाम मैं दे दूंगा, ठीक है, इस तरीके से प्रोग्रेस अंडरस्कोर फ्रंट, और यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम या क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। तो क्लास नेम का भी यूज कर सकते हैं और क्वेरी सेलेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, तो मैं गेट एलिमेंट बाई क्वेरी सेलेक्टर का यूज कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम का यूज कर लेंगे या क्वेरी सेलेक्टर का, या आईडी दे देंगे यहाँ पे, तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। तो क्वेरी सेलेक्टर से अगर आपको करना है तो क्वेरी सेलेक्टर से करिए,
अगर आपको उससे करना है तो उससे करिए। तो दोनों मेथड यहाँ पे, अगर आप क्वेरी सिलेक्टर सेल्फ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लास है तो डॉट लगाना पड़ेगा, अगर वो आईडी होता तो यहाँ पे हैश लगाते, ठीक है। यहाँ पे हमने देखिए क्लास से भी यूज किया है। अब मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि आप लोग क्लास का भी यूज करना सीखें, इसका भी यूज करना सीखें, क्वेरी सिलेक्टर आल का भी यूज करना सीखें, और इसमें जो है अभी जो जो भी चीजें हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी से भी मैंने यहाँ पे यूज किया है, इस तरीके से यहाँ पे क्लास का भी यूज किया, क्वेरी सिलेक्टर का जहाँ पे यूज करेंगे तो अगर आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हैश लगाएंगे, अगर वो क्लास है तो यहाँ पे डॉट लगाएंगे, ठीक। ये सेलेक्ट हो गया। इसके साथ साथ हमें एक और चीज सेलेक्ट करना है कि कितने में चेक्ड लगा हुआ है, यानी कि कितने में जो है क्लास चेक्ड लगा हुआ है वो हम लोग सेलेक्ट करके रखेंगे, तभी तो हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि कितना परसेंट ये मूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ग्लोबल ही डिफाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक वेरिएबल बना लीजिए चेक नाम का, चेक नाम पे वेरिएबल बनाइए और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेथड कर देंगे। अब सभी क्लास को एक बार में अगर आपको सेलेक्ट करना है तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करेंगे, और जो डॉट चेक वाला क्लास है, यानी कि जो ये वाला क्लास लगा हुआ है किसमें किसमें लग रहा है डायनेमिकली, ये चेक वाला, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें वो सारा एलिमेंट जाएगा जिसमें चेक क्लास लगा हुआ है, यहाँ पे अभी एक ही में लगा हुआ है, क्लिक करूंगा तो दो दो में लग जाएगा, क्लिक करूंगा तो तीन में लग जाएगा, चार में लग जाएगा, इस तरीके से, है ना। तो इसमें वो सारा एलिमेंट चला जाएगा। अब हम लोग इसी को डिफाइन करेंगे, डिवाइड करके इसमें जो है शो कर देंगे, कैसे यहाँ पे शो करना है इस फंक्शन के अंदर, तो लूप के बाहर आ जाएंगे, और कैसे आपको शो करना है, तो हमें कहाँ पे शो करना है सबसे पहले, तो शो कैसे करना है इसको, फ्रंट सॉरी प्रोग्रेस फ्रंट को सिलेक्ट कर लेंगे, डॉट स्टाइल इसमें लगाएंगे, इसका अगर हम लोग विड्थ चेंज करेंगे, डॉट स्टाइल डॉट विड्थ स्टाइल का यूज करेंगे यहाँ पे, इसके वाई स्टाइल हो गया डॉट विड्थ, ठीक है। अगर हम लोग इसका विड्थ चेंज करें, अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर मैं विड्थ चेंज करता था फ्रंट का, कहाँ गया फ्रंट वाला चेक हमारा, ये देखिए प्रोग्रेस फ्रंट है ना, इसका विड्थ अगर मैं यहाँ से 50 करता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तो इसको हमें क्लिक करने पे बढ़ाना है ना, यहाँ से क्यों बढ़ाना है, ये देखिए बढ़ा गया, लेकिन हमें इसको क्लिक करने पे बढ़ाना है, तो इसको जीरो रहने देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक बड़ा सा ब्रेकेट ओपन करिए, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेकेट इसके अंदर ओपन करिए, उसके बाद हमें कहाँ से चेक लेंथ, जो चेक है उसकी लेंथ, चेक डॉट लेंथ इस तरीके से डिफाइन, यानी कि जितना चेक वाला एलिमेंट है उसमें जाएगा, लेंथ माइनस वन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यानी कि सपोज करिए कि फोर में चेक है तो फोर अगर चेक है तो थ्री यहाँ पे क्या आएगा, थ्री, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब इसको जो है हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, डिवाइड का यूज करेंगे फिर से बड़ा बड़ा ब्रेकेट ओपन करेंगे, और स्टेप स्टेप डॉट लेंथ किससे डिवाइड करना है आपको, स्टेप डॉट लेंथ से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज ऐसे निकाला जाता है, ठीक है, स्टेप डॉट लेंथ माइनस वन, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंटू 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें इसको तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा, उसके बाद लास्ट में हम लोग कॉन्कैटिनेट कर देंगे परसेंटेज को, यानी कि मॉड्यूलस को, ठीक है। ये परसेंटेज ये क्या है, ये परसेंटेज यहाँ पे जैसे हम लोग विथ के साथ लगाते हैं पिक्सल या परसेंटेज, तो वो ये उसका काम करेगा, बस इतना समझिए। अगर ये लाइन नहीं समझ रहा तो आप लोग ग्रुप में मैसेज करेंगे, वो चीज मैं समझा दूंगा। यहाँ पे आके रिलोड करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखिए अब ये अपडेट क्यों नहीं हुआ, मैं देख लेता हूँ, प्रोग्रेस फ्रंट डॉट स्टाइल डॉट विथ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है ना फ्रंट को, ठीक है, प्रोग्रेस फ्रंट डॉट स्टाइल डॉट विथ, ठीक है, चेक्ड नंबर, ठीक है, माइनस वन, ठीक है, सब कुछ इंटू 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो अपडेट होना चाहिए इसको, ठीक है। अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिलोड करता हूँ, मैं फिर से क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा वेरिएबल बना हुआ है ये वाला कंट्रोल एक्स करूंगा ग्लोबली, इसको मैं यहाँ पे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, खैर रिलोड करता हूँ, यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखिए, ठीक है, तो इस वेरिएबल से फर्क पड़ रहा था, क्योंकि हाँ समझिए इस चीज को, अब ये चेक हम लोगों ने यहाँ पे क्यों यूज किया था, इसके वजह से फर्क पड़ रहा था। अब फर्क क्यों पड़ रहा था, क्योंकि जो क्लास है वो इस फंक्शन के अंदर लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग उसको अगर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कुछ क्लास डायनेमिकली लग रहे हैं, डायनेमिकली लग रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उस फंक्शन के अंदर ही हमें उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस फंक्शन के अंदर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो बढ़ गया हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए घटेगा भी, लेकिन हमें इसको थोड़ा स्मूथली रन करना है, तो स्मूथली कैसे रन करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे इंडेक्स डॉट सीएसएस में जो फ्रंट वाला है, तो जो फ्रंट वाला है सबसे पहले वहां पे, सॉरी ये प्रोग्रेस बार है ना, फ्रंट वाला प्रोग्रेस बार है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो ट्रांजिशन इस तरीके डिफाइन करिए, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पे आपको क्या करना है, 0.04 इयर्स लीनियर लीनियर एंड विथ डिफाइन करना है, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। तो अब क्या होगा, जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा स्मूथली बढ़ेगा, ये देखिए है ना, ये देखिए, ठीक है, अब बैक भी स्मूथली होगा, ये देखिए है ना, इस तरीके से, ठीक है, समझ में आया। हमें
इस पे क्लिक करते ही इसको ये देखिए पहले आ जाए, इस पे क्लिक करोगे तो ये इसमें ये वाला पहले ग्रीन हो जाए। मैं चाहता हूँ जब यहाँ पे पहुंचे तब ये ग्रीन हो, तो इसमें भी हम लोग ट्रांजिशन यूज करेंगे। तो ये हमारा कौन सा है, चेक्ड वाला है ना, तो चेक्ड वाले में भी हम लोग ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, स्टेप टू चेक्ड है, कहाँ ये देखिए ये वाला है, यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करिए, ट्रांजिशन इस तरीके से। और यहाँ पे भी टाइमिंग दे दीजिए, तो ऑल स्पेस यूज करेंगे और 0.0.4 यस लीनियर, ठीक है, इस तरीके से बात करूंगा। तो इससे इतना करने से यहाँ पे कुछ फर्क नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। हमें एनिमेशन डिले भी डिफाइन करना हो, सॉरी ट्रांजिशन डिले भी डिफाइन करना हो, ये देखिए पहले तब भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन डिले कितना करेंगे हम लोग, 0.3 ईयर्स या 4 ईयर्स, जितना भी आपको करना है वो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट लगा के इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे रिलोड करोगे तो देखिए आप जब वहां पहुंच जाएगा तब आ जाएगा, तो ट्रांजिशन डिले यहाँ पे यूज करना है ना, ट्रांजिशन हाइफन डिले इस तरीके से यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे तो अब ये थोड़ा स्मूथली होगा और थोड़ा रुक के होगा, ये है ना, ये देखिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं आप लोग, डिसेबल का, ठीक है। तो डिसेबल कैसे होगा, बटन हमारा जब मैं चाहता हूँ जब लास्ट पे पहुंच जाए तो ये डिसेबल्ड हो जाए, और जब शुरुआत में रहे तो ये डिसेबल हो जाए, ठीक है। तो ये कैसे होगा दोस्तों, ये बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है इसको करना। यहाँ पे आ जाएंगे, कंडीशन चेक कर लेंगे हम लोग, क्या कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे आ जाइए लास्ट वाले में, जेएस में आ जाइए, यहीं पे इसके नीचे जस्ट आपको क्या करना है, इफ एक कंडीशन लगा लीजिए इस तरीके से। जो हमारा करंट चेक है, यानी करंट चेक इक्वल टू इक्वल टू, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, इक्वल टू इक्वल टू स्टेप डॉट वन, अगर ये वन के बराबर है तब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्रीव्यू बटन है, प्रीवियस वाला बटन है, जो प्रीवियस डॉट डिसेबल, डिसेबल का डायरेक्ट यूज करेंगे, प्रीवियस डॉट डिसेबल्ड डिफाइन करते हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रू, इक्वल टू ट्रू हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स इफ में डिफाइन करेंगे, एल्स इफ डिफाइन करेंगे, एंड अगर जो हमारा करंट चेक, फिर से करंट चेक को ही चेक करेंगे, इक्वल टू स्टेप डॉट लेंथ, स्टेप डॉट लेंथ इसके बराबर में है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट वाला है, यानी कि नेक्स्ट वाला बटन है, उसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट डॉट डिसेबल्ड, सॉरी डिसेबल्ड इससे मैं लिख दूंगा, कंट्रोल क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में जाएंगे इस तरीके से, सॉरी कंट्रोल जेड करेंगे, एल्स डिफाइन कर देंगे इसका, तो एल्स इस तरीके से, सॉरी एल्स एल्स इस तरीके डिफाइन करेंगे, एंड यहाँ पे आपको दोनों को सिलेक्ट करना है, दोनों को ही फॉल्स कर देना है। कॉल करिए इसको कंट्रोल सी करके, कंट्रोल भी एंड कंट्रोल भी कर दीजिए, यहाँ पे प्रीवियस सेलेक्ट कर लीजिए प्रीव, एंड यहाँ पे आपको फॉल्स कर देना, दोनों ही फॉल्स रहेगा। तो इसको एंड इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार में, और फॉल्स इस तरह से कर दूंगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे हो गया हमारा, बन गया, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये देखिए जैसे वहां पर पहुंचेगा इसे डिसेबल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ क्लिक करूंगा इस तरीके, पांचवें जब ये पहुंचेगा तो ये देखिए डिसेबल्ड हो गया, ठीक है। अब ये बैक करेंगे, जब ये वन पे पहुंचेगा तो ये डिसेबल हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये दोनों इनेबल रहेगा, यहाँ क्लिक करूंगा तो ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया आप लोग को, एक और चीज कर सकते हैं, कितना भी स्टेप आपको बढ़ाना है यहाँ पे बढ़ाइए, यहाँ पे देखिए जैसे स्टेप मैं कॉपी करता हूँ उस तरीके से, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल भी कर लूंगा इस तरीके से। तो जितना आपको स्टेप बनाना है उतना बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आकर रिलोड करूंगा तो ये देखिए अब इसमें विद मतलब मैक्सिमम विद 500 पिक्सल, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये देखिए, है ना। तो जितना भी स्टेप आपको बढ़ाना है उतना बढ़ाइए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैं थोड़ा हटा देता हूँ, थोड़ा कम कर दूंगा, ये देखिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये देखो फाइनल हमारा, फाइनल पे जाएगा तो फाइनल आएगा, ठीक। तो ये जो कंडीशन छोटा सा लगा हुआ इसके वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आएगा, तो अगर आप लोग को दिक्कत हुआ है तो आप लोग जरूर हमें बताइए, मैसेज करिए व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं आप लोग को जरूर उसे समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून। बढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।